सफलता हासिल करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि 3 महीने पहले शराब दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को महंगी चीजों का शौक है और बेरोजगारी के चलते वो मौज मस्ती का भी जीवन जीते हैं। आय से अधिक खर्चे के चलते ये आरोपी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। उसने चौकीदार के साथ मिलकर अपने 2 दोस्तों सोनू भारती और सचिन बंजारे, ये दोनों हनुदा गांव के रहने वाले हैं जहां का चौकीदार वीरेन भी रहने वाला है, इन सब ने मिलकर उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद कुछ और चोरियां इन लोगों के द्वारा की गई थी। इसमें पद्मनाथपुर चौकी के अंतर्गत योगेश श्रीवास्तव जी के यहाँ चोरी हुई थी। इसमें चूंकि ये पुराना मकान था, बहुत दिनों से बंद था, इसलिए इसमें मशरूका नहीं गया था। पूजा का कुछ सामान और पूजा के डब्बे में रखे हुए कुछ पैसे गए थे। इसके अलावा एक चोरी और हुई थी पद्मनाथपुर क्षेत्र में, जिसमें 40,000 रुपए कैश गया था। इसकी भी चोरी इन लोगों ने करना स्वीकार किया गया है। रायपुर के